हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारा एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम गेम खेलने वाले हैं राजी। तो मैंने एक बार इस पे वीडियो बना रखी है और इसी में एपिसोड 2 है ये समझ लो, क्योंकि बहुत लंबी गेम है तो इसीलिए मैं कई एपिसोड में खेलूँगा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई हम लोग गोलू को खोजने वाले हैं, और गोलू को खोजते अभी तक गोलू मिला ही नहीं, एक एपिसोड भी ख़त्म हो गया और पता नहीं कब तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहो, देखते हैं भाई गोलू कब तक मिलता है। और बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है, वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। हर हर महादेव। उसके अंदर एक आग है, हाँ इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था, और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। क्या तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाओ। तुम उसे कहाँ ले
जा रहे हो? बेचारी बच्ची, वो रास्ता ढूंढ लेगी। अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसे। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। ये दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। तुमने देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारी जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल कर, सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। इसे देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। देखिए वो क्या कर सकती है। वहां अमृत बूंद, सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है।
झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। काली का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता।